हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज आपके लिए आपका भाई एक और नॉलेज भरी वीडियो लेके आया है, जिसमें कि डेलिया प्लांट के ऊपर आपको नॉलेज दी जाएगी। फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि डेलिया जो है ना, कि ये साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, यानी कि सीज़न में एक बार फ्लावरिंग करता है और उसके बाद इसका प्लांट जो है मर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम आपको ना ऐसी नॉलेज देंगे जिससे कि आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि डेलिया जो है ना किसी साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, यानी कि एक ही सीज़न चलता है। फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट जो है ना, ये 2 साल पुराना हो गया अभी, ये वाला, मतलब कि ये दूसरा सीज़न है इसका। पिछले साल भी इसने फ्लावरिंग की थी और अब की बार फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पिछले साल वाला डेलिया है जो अपनी फ्लावरिंग पे है फ्रेंड्स, और ये वाला भी। इसकी पहचान क्या होती है फ्रेंड्स? ये जो प्लांट होता है ना, ये अपनी हाइट ज़्यादा पकड़ता है। ये जो प्लांट होता है ना, ये अपनी हाइट बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है फ्रेंड्स। बस इसमें मेरे को यही कमी लगी कि इसकी जो प्लांट की हाइट होती है ना, वो रुकती नहीं, वो ज़्यादा हाइट पे जाके फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये अभी कम से कम 5 फुट 5.5 फुट पे चला गया। ये देखिए, ये सारा एक ही है यहाँ से। ये देखिए, ये वाला पहले इसकी स्टिक ने फ्लावरिंग की, ये वाली, फिर ये फ्लावरिंग पे आ गई, ये वाली, यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की इसने यहाँ पर। इसको हमें सपोर्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इस साल हमने प्लांट लगाए थे फ्रेंड्स, अब की बार मैंने इसको ज़्यादा, इसकी ज़्यादा केयर नहीं की। अपना जो डेलिया ना, इसकी मैंने ज़्यादा केयर नहीं की फ्रेंड्स। ये मेरा इस साल का जो प्लांट है, वो आपको नीचे से पहचान हो जाएगी। ये फ्रेंड्स मेरा, ये वाला, ये मेरा पिछले साल का प्लांट है, ये वाला। ये देखिए, बल्ब से नीचे से निकल रहा है इसने भी। ये देखिए, अब इस पर पता नहीं कितना फ्लावर आएगा, मेरे को नहीं पता कि ये फ्लावरिंग कितने करेगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, लगातार एक हफ्ता हो गया, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी आपको अपने पूरे डेलिया दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर जो है ना, मेरा पूरा एक महीने से खिल रहा है, ये वाला, एक महीने से। और अभी भी देखिए, इसके अंदर जो बर्ड्स है ना, वो पूरा फटा नहीं है। ये देखिए, ये पूरा फटा नहीं है, ये बारिश ने इसको ख़राब कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये किसी, ये देखिए इसकी जो स्टिक है फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी ठीक दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका एक फ़ायदा है हमारे को, इस प्लांट का, जो हम पिछले साल का प्लांट बचा के रखते हैं ना, तो इसका एक फ़ायदा हमारे को बहुत बड़ा, कि ये जो प्लांट है ना, ये दिसंबर से अपनी फ्लावरिंग पे आ जाता है। ये देखिए इसकी स्टिक, देखिए फ्रेंड्स, ये वाली। फ्रेंड्स, अगर आप इसको काट कर ना किसी फ्लावर शो में ले जाएंगे, तो आपको फर्स्ट पोजीशन से कोई रोक नहीं पाएगा फ्लावर शो में। ये डेलिया के ऊपर अगर फूल बड़ा रहा ना, तो बड़े फूल से कोई आपकी वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, उस फ्लावर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये खिलने के बाद भी फ्रेंड्स बच रहा अंदर से, बारिश ने इसको ख़राब कर दिया है। ये देखिए, इसकी जो नीचे से स्टिक बनी है ना, ये अगर जजमेंट सही हो ना फ्रेंड्स, इस फ्लावर को ना अगर कट फ्लावर में हम ले जाएँ, तो इसको फर्स्ट पोजिशन से देने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी देखिए इस पर कितना फ्लावर बन रहा है, देखिए, देखोगे आपने इस फ्लावर की जो क्वालिटी है, इस पर इतनी क्वांटिटी नहीं आती है फ्रेंड्स। इसमें सेम एक और कलर होता है, जो हल्का हल्का यहाँ से हल्की हल्की बारीक उसमें शेड होती है, उसकी क्वालिटी कुछ हो रहा है। इसका जो फ्लावर होता है ना, वो मीडियम होता है फ्रेंड्स। देखिए, देखिए फ्रेंड,
फ्रेंड्स, अगर आप भी ना अपने प्लांट को अगले साल के लिए बचा कर रखना चाहते हो तो उसको ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पर ज़्यादा खुश्की रहती हो। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर छिपकली बेल लगी है फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में ये पूरी दीवार इसने कवर कर रखी है लास्ट तक। तो फ्रेंड इसकी जो रूट्स है ना वो पानी बहुत मांगती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ ना ज़मीन में खुश्की बहुत रहती है। तो मैं इनको फ्लावरिंग के लिए तो नहीं लगाता, इनको सिर्फ अगले साल के लिए ना इनसे नए प्लांट लेने के लिए इनको यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था फ्रेंड्स जो मेरा डेलिया पर बना हुआ है, वो मैंने अपने भाई के घर पे लगाया हुआ है, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कितनी फ्लावरिंग कर रहे हैं वो प्लांट। तो आपने क्या करना है, अगर इस प्लांट को ना बचा के रखना है, इसके जो बल्ब होते हैं, कई लोग क्या करते हैं इसके बल्ब को निकाल के रख तो लेते हैं लेकिन फिर उसको अगले साल के लिए बचा नहीं पाते। तो इसको अगर आपने बचा के रखना है ना तो आपने क्या करना है, इस प्लांट को ना ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पर खुश्की बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जिससे कि इसका जो बल्ब है ना, जो इसके कंद बनते हैं जो आलू टाइप के, वो तो वो ख़राब ना हो, ठीक है। और अगर आपने इस प्लांट से ज़्यादा कटिंग लेनी है, जैसे आपके पास अगर आपके प्लांट ख़राब भी हो गए और ज़मीन में लगे हैं, तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जैसे इसके अंदर से जैसे ये फ्लावरिंग बंद कर देगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, आधा फिट या एक फिट ऊपर से इसको काट देंगे। काटने के बाद ये अपनी यहाँ से या फिर नीचे से अपनी न्यू ग्रोथ ले लेगा। तो जैसे इसकी ग्रोथ चलेगी ना, उसमें से हम दो तीन जो इसकी ब्रांच होगी उसको ज़मीन पर लेटा देंगे, यहाँ ज़मीन पर लेटा देना, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डाल के उससे क्या होगा, उसकी जो ब्रांच है ना उसमें पूरी में रूट निकल आएंगी, पूरी बहुत ज़्यादा रूट वो डेवलप कर लेगा मिट्टी में। अगर आपने बहुत ज़्यादा कटिंग लेनी है अपने प्लांट से, मैं तब बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको मिट्टी पे लेटा के ना, यहाँ पर लेटा के इसके ऊपर, यहाँ ज़मीन पे लेटा के इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, जिससे कि अपनी बहुत ज़्यादा अपना फुटाव ले लेगा। और अगले साल हमारे पास क्या होगा कि कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारी क्वालिटी आती है फ्रेंड्स, इस प्लांट के अंदर बहुत सारी क्वालिटी आती है। और मैं इसके अंदर डीएपी के अलावा किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करता, डीएपी के अलावा किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करता मैं इसके अंदर। अभी आप सोच रहे होंगे इसके अंदर फ्लावरिंग तो आ नहीं रही फ्रेंड्स, इसके अंदर इतनी फ्लावरिंग आ रही थी, लेकिन मैंने क्या बारिश से बचाने के लिए ना अपने प्लांट को, इसकी जो सारी फ्लावरिंग थी उसको सारी को कट कर दिया। ये देखिए बारिश, अभी ये देखिए मौसम अभी भी पूरा बारिश अभी गिर रही है, तो हल्की हल्की 3-4 दिन हो गए फ्रेंड्स, तो पूरी बारिश का पूरा सीजन चल रहा है। अभी हमने जीनिया भी लगा दिया, एक हफ्ता हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जीनिया भी अभी तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, जब ये अपनी फ्लावरिंग पे आ जाएगा तब बताना फ्रेंड्स कि भाई का जीनिया कैसा रहा। देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपने इसकी एक और, हम इसकी जो है ना जो केयर होती है ना इसकी, तो उसमें हम आपको एक सबसे बड़ी जो इसकी केयरिंग होती है ना वो उसके बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स। इस प्लांट को ना खिलने के लिए एक स्टिक की जरूरत पड़ती है, आप देख लेना, अगर आप किसी प्लांट को ना अपने किसी प्लांट को अगर वो बड़ा हो गया और उसको आप सपोर्ट नहीं दे रहे, तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि वो प्लांट वहाँ से ग्रोथ नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लांट भी जानते हैं कि अगर मैं इससे ज़्यादा बढ़ूंगा तो टूट के गिर जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको पक्का आपने सपोर्ट दे के जरूर रखना, ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसको ना सपोर्ट जरूर लगानी है, नहीं तो ये फ्रेंड्स फिर किसी या बारिश आ गई ना अगर किसी दिन या हवा चल गई तो ये प्लांट आपका टूट जाएगा और आपकी पूरी मेहनत ना ख़राब हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कितने डार्क कलर में खिल रहा है, देखिए कई लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते फ्रेंड्स, जो गार्डनिंग करते हैं उनको तो पता है, लेकिन कई लोग मेरे पास आ जाते हैं तो बोलते हैं ये सूरजमुखी है, इसको सनफ्लावर का नाम दे लेके बोलते हैं इसको। ये देखिए इसके, ये देखिए कितनी फ्लावरिंग कर रहा है अभी, ये देखिए, और मैंने 3-4 ना एक साथ इसके, ये देखिए यहाँ से काट दिए जो फ्लावर थे ना, यहाँ से काट दिए,
और भी काटे हैं, कहाँ से काटे हैं, बहुत सारे काट रखे हैं इसके ऊपर से फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरा पिछले साल का जो है ना, ये डेलिया है। तो आप ना इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको, एक तो ये नवंबर के लास्ट, दिसंबर के फर्स्ट से शुरू हो जाता अपनी फ्लावरिंग पे, और आपको पता है कि उस टाइम मौसम बहुत ही ठंडा होता है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये फ्लावर जो है ना अपने ओरिजिनल कलर में आके खिलता है। लेकिन अभी जो फ्लावर आएंगे, अभी तो मौसम ठंडा है, लेकिन जैसे धूप आएगी ना तो ये पूरे डार्क हो जाएंगे, और अपना अपना जो बर्ड्स है ना उसको भी पूरा मतलब वो फट नहीं पाता, लेकिन ये जड़ना पहले शुरू हो जाता है। लेकिन सर्दी में आपने देखा होगा कि एक फ्लावर ना 30-30 दिन, एक एक महीना 40 दिन खिलता है आपका एक ही फ्लावर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने ना इसकी सही लुक लेनी है तो इसको ना दिसंबर से खिलाना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि फरवरी और मार्च में तो आपके पास और भी दूसरी वैरायटी होती है खिलने के लिए। तो अगर आपने इसका असली मज़ा लेना है इस फ्लावर का, तो इसको दिसंबर से खिलाना शुरू करिए अपने गार्डन में। ये देखिए, मेरे इस प्लांट ने बहुत फ्लावरिंग की फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। यही मेरा पिछले साल का ही है ये वाला। तो अगर किसी मेरे किसी भाई को या बहन को जो गार्डन का शौक रखते हैं, अगर किसी के मन में यह बात है कि इसका जो बल्ब है एक सीजन ही फ्लावरिंग करता है, तो उस बात को अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है ना। ये दो साल मैंने इसको दो साल खिलाया, और मैं हर बार ही ऐसा करता हूँ, क्योंकि मेरे को लंबी फ्लावरिंग चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरी ये इस साल के प्लांट हैं, तो मैं इसको निकालूंगा नहीं, इससे अगले साल कटिंग तैयार करूंगा, और इसकी जो मेन ब्रांच होगी ना, जो सबसे हेल्दी होगी, उसको मैं बचा कर रख लूँगा, और उसको सपोर्ट दे दूँगा एक स्टिक की। तो फ्रेंड्स, और उसमें डाई डाल DAP का इस्तेमाल कर दें, तो फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, और अपनी फ्लावरिंग पे भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसकी स्टिक दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए इसकी ना स्टिक दिखाते हैं आपको, काट के इसकी स्टिक दिखाते हैं, ये कितना हेल्दी है फ्रेंड्स। ये देखिए, कई जो मेरे भाई है ना, मेरी बहन है, उसके गार्डन में ना जितनी मोटी इस फ्लावर की स्टिक है, पकड़ना ये देखिए इसकी स्टिक, देखिए कितनी थिक है ये, कितनी हार्ड है, ये देखिए कैसे चढ़ चढ़ के आवाज़ आ रही है इससे, ये देखिए, देख रहे हो, ये देखिए, ये दोबारा सुनना, ये देखिए नहीं तो नॉर्मल तौर पे ना, अगर इसको हल्का सा अगर मोड़ दे तो टक से ये टूट जाता है। ये देखिए, इस फ्लावर में क्वालिटी है, एक महीना हो गया इस फ्लावर को पूरा, और ये देखिए अभी भी ये खिल रहा है यहाँ से, ये देखिए इसकी जो ना फ्लावर के अंदर से अभी भी ये फ्लावर अपनी फ्लावरिंग से बंद नहीं हुआ है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ना अपने प्लांट को किसी फ्लावर शो के लिए तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तो उसके अंदर DAP के अलावा किसी भी दूसरे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर इसके अंदर खासकर पोटाश का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि